आप सबको स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं 27 अप्रैल की शुभदान में। साइलेंस की शक्ति है एक, जिसको हम मेडिटेशन की शक्ति भी कहते हैं, जिसको हम योग शक्ति भी कहते हैं। ये शक्ति ऐसी शक्ति जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर को कमांड देने में, ठीक करने के लिए। आप यही शक्ति को शुभ इच्छाओं के साथ में कमांड दे सकते हैं किसी संबंध को, बिगड़े हुए संबंध को बनाने के लिए, किसी बिगड़े हुए धन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए। और ये संकल्प जो है, ये जितने पवित्र होते हैं, जितने शक्तिशाली होते हैं, उतना फटाफट हर कार्य होता जाता है निर्विघ्न होकर के। आइए आज हम इसी वरदान के ऊपर चर्चा करें परमात्मा के मधुर शुद्ध वाक्यों द्वारा। परमात्मा पिता कहते हैं, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा। पहला पॉइंट, शुभ संकल्प। संकल्प पहला कैसा होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। शुभ संकल्प का अर्थ ये नहीं हुआ कि सिर्फ आपने पॉजिटिव सोचा। अपने लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन अपने लिए पॉजिटिव सोचने में तो हमें लोभी भी हो सकते हैं और उसमें औरों का नुकसान हो सकता है। जिसमें कि हर किसी का फायदा हो, वही शुभ संकल्प कहलाया जाता है। सिर्फ अपना नहीं, सबका। तो शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले। साइलेंस मतलब कि चुप नहीं सिर्फ, मौन नहीं सिर्फ, लेकिन मन का मौन। मन के अंदर जो संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, इनको स्लो डाउन करना, एक एक को पकड़ करके स्लो डाउन कर देना। जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उनको पकड़ना और उनको स्लो डाउन कर देना, उनको रोक देना, ब्रेक लगा देना, ताकि ये संकल्प और आगे ना जा पाए। फिर परमात्मा कहते हैं, साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप मतलब शक्तिशाली, प्राप्ति स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। क्या है यंत्र? शुभ संकल्प। साइलेंस की शक्ति, साइलेंस तक पहुंचने के लिए, मन का मौन तक पहुंचने के लिए, आप तभी मन को मौन कर पाओगे जब आपके संकल्प शुभ होंगे। आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, या किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप उसके बारे में सोच रहे हो, घृणा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, आप बदले लेने की भावना रख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके मन के अंदर संकल्पों की साइलेंस नहीं होगी। ट्राई करके देखिए इन चीजों को, ये एक्सपेरिमेंट करिए। एक सेकंड में जिसके प्रति आपका अभी इस समय संकल्प ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, चाहे कल हुआ हो, चाहे 10 साल पहले हो, चाहे 20 साल पहले हो, चाहे परसों हुआ हो, ये एक क्षण पहले हुआ हो, आप इमीडिएटली उस व्यक्ति के प्रति अच्छे संकल्प बनाने शुरू कर दीजिए, दिल से, दिमाग से नहीं। सिर्फ दिमाग और दिल, मतलब कि भावना, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए। दिल्ली वाला दिल तो नहीं होता, लेकिन आपको बताने के लिए सिर्फ कह रहे हैं, भावना यहीं पर होती है आत्मा में, और बुद्धि, संकल्प करने वाली मन बुद्धि भी यहीं पर निर्णय लेने में यहीं होते हैं। तो जो भावना होती है, फील यहां पर होती है, लेकिन आपको फीलिंग करने के लिए ये सेंटर दिया हुआ है, चक्र दिया हुआ है। आपके जो संकल्प चलेंगे उसकी फीलिंग आपको यहाँ पे होगी। तो इसी क्षण आप औरों के प्रति फीलिंग चेंज करें, आपको यहाँ पर फीडबैक मिल जाएगा, कैसे भारीपन है, इसका मतलब आपने गलत सोचा हुआ है, आपके संकल्प बहुत चल रहे हैं। अगर आपने औरों के प्रति ठीक सोचा हुआ है, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दी हुई है, शुद्ध संकल्प है आपके, तो यहाँ पे हल्कापन महसूस होगा आपको हृदय चक्र में, एनाहटा चक्र में। ये हमारा एक फीडबैक है, ये चक्र। तो आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। ये जो यंत्र है, शुभ भावना या शुद्ध शुभ संकल्प, ये सब कुछ आपको कोई भी प्राप्ति करा सकता है, सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, कि पहले अपने आप को तो हम ठीक करें, अपने मन को हम शांत करें, अपनी सेहत को ठीक करें, अपने संबंधों को ठीक करें। तो प्रबंधक तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो। अब ये कहना, हाय मैं बीमार हूं, हाय मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं, मेरे ऊपर ये सब कुछ क्यों आया, मैंने क्या कर्म किए होंगे, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, हाय इतने चक्कर, हाय इतनी दवाइयां, हाय, ये सब कुछ हो गए अशुभ संकल्प। आप इनको शुभ कैसे करें, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा और कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपने कौन कौन से संकल्पों को आपने ठीक किया है। तो इन संकल्पों को आप चेंज करें, परिवर्तन करें अपने जीवन के लिए, अपने आप के लिए। हाय हाय की जगह वाह वाह करना शुरू करें, वाय की जगह आप वाह वाह करना शुरू करें। तो परमात्मा कहते हैं, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो। तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप, ये जो कर्म के बंधन है ना, हमने जो किए हुए हैं पिछले जन्मों में अपने शरीर के द्वारा, काम वासना से लेकर के,
क्रोध से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम करी, काम वासना से अपनी जीवन को अपनी उम्र को घटा दिया, ओवर यूज हो गई है बॉडी काम वासना के कारण, क्रोध के कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स, लोभ, लोभ के कारण असंतुष्टता, पेट की प्रॉब्लम्स, मोह, औरों के साथ में मोह, किसी को भी अपने अनुसार चलाने की कोशिश करना, कंट्रोल करना, सर दर्द होना, मोह में इंसान सर दर्द तक पहुंच जाता है, उसको हेडेक बहुत होता है क्योंकि उसको हर चीज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं छोड़ के ना चला जाए, कहीं मेरे से छूट ना जाए, कहीं मेरी बात मानना बंद ना कर दे, ये मोह है, सर दर्द होता है, भारीपन आता है। एनीवेज वो तो बात की बातें हैं, लेकिन परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे आप प्रैक्टिस करो, इनको चेंज करो, तो ये कर्म बंधन की जगह पे आपके क्या हो जाएगा, मीठे संबंध के रूप में बदल जाएंगे। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। पानी की लकीर, पत्थर पे लकीर, पानी की लकीर क्या होती है, फटाफट मिट सकती है, पत्थर पर लकीर मिटती नहीं है। तो ये जो कर्म बंधन है हमारे जो है, ये कर्म भोग जो है हमारे, वो सारे कैसे फील होंगे, पानी की लकीर जैसे। लेकिन इसके लिए हमें शुभ संकल्प अपने प्रति, चाहे अपने शरीर के प्रति, औरों के प्रति, आजू बाजू घर वालों के प्रति, सबके प्रति करना है। हमें एक ऑरा क्रिएट करनी है अपने चारों तरफ जो कि हमें प्रोटेक्ट करे। वो ऑरा हम ही क्रिएट करते हैं, हमारे संकल्प ही क्रिएट करते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं लकीर का अनुभव होगा तो तन पर, किस पे, तन पर प्रयोग करो, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। अगर क्रोध बहुत आता है तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, फटाफट अपने आप को साइलेंस, बिल्कुल मुझे जवाब देना ही नहीं है, मुझे सीधा ऊपर परम धाम जाना है, संकल्पों के द्वारा, फिजिकली नहीं, संकल्पों के द्वारा परम धाम पहुंच जाना है मुझे, उस समय जब मेरे चीजों में कंट्रोल नहीं है, चीजों पर कंट्रोल नहीं है, इंसान पर कंट्रोल नहीं है, इंसान ने मेरे अनुसार नहीं किया कुछ कार्य, फटाफट साइलेंस, स्टॉप कर देना अपने आप को, साइलेंस, ज्यादा नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कहा, मैं, बस खत्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं है, देह अभिमान वही जड़ है काम और क्रोध की। तो आज के मुरली में भी यही बातें हैं, अपने आप को साइलेंस करो, देह अभिमान को हटाओ, मेरा क्या है, कुछ भी नहीं, फटाफट क्रोध कम होना शुरू हो जाएगा, साइलेंस में जाना शुरू हो जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछो, मेरा क्या है। तो ये वरदान आपके लिए हर दिन हम ला रहे हैं ताकि आप इस वरदान की शक्ति को पहचाने और साथ ही साथ आप ब्रह्म कुमारी में जाकर के ज्ञान की शक्ति को पहचाने। ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है चार पेजों में से, लेकिन इसके ऊपर जो 3-3.5 पेज का जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली, आप भी जाकर के इस ज्ञान को ले सकते हैं ब्रह्म कुमारी में। ओम शांति के साथ।